रेसलमेनिया 38 की जो नाइट होगा उसका क्लोज करेगा रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच। लेकिन गेस व्हाट, नाइट वन के ऊपर जो मेन इवेंट है वो रिसेंट टाइम में चेंज हो चुका है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो WWE। ने तो हम सभी को ये बताया था कि भैया जो जीतेगा रॉयल रंबल वो जाएगा रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, लेकिन लग गया ऐसा रहा ये जो बात है वो नाइट वन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी का जो मैच है वो मेन इवेंट नहीं होने वाला है। कौन सा वो शो, कौन सा वो सेगमेंट है जो कि एंड करेगा रेसलमेनिया 38 की नाइट वन को और कौन सा मैच ओपनिंग करेगा, ये सारी बातें रिवील हो चुकी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे स्मैकडाउन के शो में या फिर मंडे नाइट रॉ में भी आपको AEW के साइन बोर्ड देखने के लिए मिलेंगे नहीं, लेकिन रिसेंटली हुए स्मैकडाउन के शो में एक AEW का साइन मिला है जो कि WWE के फायदे में था, इसलिए वो आ गया। साथ ही में कोडी रोड्स के रेसलमेनिया स्टेटस को लेकर भी कुछ अपडेट आई है सामने, WWE किस तरीके से उन्हें पहुंचाएगी रेसलमेनिया तक, प्लस एक ऐसा मंडे नाइट रॉ जहां पर कंफर्म हो चुके कोडी रोड्स अपीयर होंगे वो एग्जैक्ट डेट आ चुकी है सामने, प्लस क्या WWE ने भी रिसेंट टाइम में और सुपरस्टार्स को रिलीज कर डाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्विक अपडेट के साथ में WWE के NXT लेवल अप के बारे में जुड़ी है। आज से कुछ हफ्ते पहले WWE ने बात अनाउंस की थी भैया उनका एक नया शो आ रहा है वो NXT लेवल अप होने वाला, उसका एक दो एपिसोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन रिसेंट टाइम में एक और जो नया कमर्शियल, एक और जो नई ओपनिंग है वो WWE रिवील करती है NXT लेवल अप की, और इसमें मेन इवेंट के जो सभी सुपरस्टार्स हैं WWE उन्हें मेंशन करती है। यहां हमारे ट्राइबल चीफ, यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, शार्लेट फ्लेयर, साशा बैंक्स, बिग टाइम बैग्स द मैन बेकी लिंच, बिग ई, रिडल, इन सभी को A to Z मेंशन किया जाता है। और WWE का मतलब कहने का ये कि भैया यहां पर आप आके अपना लेवल ऊपर कर सकते हो जिस तरीके से इन सभी सुपरस्टार ने किया, एक तरफ उनकी NXT का करियर दिखाया जाता है और दूसरी तरफ अभी करंट का मेन रोस्टर वाला करियर। तो देखते हैं किस तरीके से NXT लेवल अप इन फ्यूचर में बिल्ड होता हुआ नजर आता है। लेकिन भैया WWE ने बता दिए कि आप रोमन या फिर सेथ की कैपेबिलिटी तक जा सकते हो अगर आप मेहनत करते हो WWE के अंदर। वैसे कमर्शियल देखा जाए काफी कूल है, देखते क्या कुछ होता है NXT लेवल अप का फ्यूचर। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार दी अमेरिकन नाइटमेयर, मे बी मैं काफी जल्दी से कहूंगा, करंट WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। अब ये बात कंफर्म है, कोडी रोड्स ने WWE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, रेसलमेनिया के अंदर उनका मैच होने वाला है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के खिलाफ। इन दोनों का मैच तो बवाल होगा, लेकिन रिसेंट टाइम में और भी डिटेल्स आ चुके हैं सामने WWE किस तरीके से कोडी रोड्स को रेसलमेनिया तक पहुंचाएगी, प्लस एक ऐसा मंडे नाइट रॉ का शो जहां पर कोडी रोड्स की अपीयरेंस पूरे तरीके से कंफर्म है। ये जो अपडेट है वो रिसेंट टाइम में फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से आती है सामने, फाइटफुल सिलेक्ट ये बात रिवील करते हैं, ये बात तो कंफर्म है रेसलमेनिया के अंदर कोडी रोड्स का मैच होने वाला है। लेकिन जो क्लोज फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड सर्कल कह लो, रिलेटिव कह लो, जो कोडी रोड्स के, वो ये बात मना कर रहे हैं कि रेसलमेनिया वाले दिन कोडी रोड्स घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, मतलब वो कहीं भी ट्रैवल करने वाले नहीं है। लेकिन फाइटफुल सिलेक्ट ये बात कंफर्म करता है शायद जो WWE है उन्हें प्राइवेट जेट से लाएगी रेसलमेनिया के अंदर। कहने का मतलब ये कि WWE नहीं चाहते उनकी जो रिटर्न है वो स्पॉइल हो जाए। मे बी ऐसा हो सकता है सिनेरियो कि सेथ रॉलिंस जो है वो रेसलमेनिया के अंदर एक ओपन चैलेंज देंगे, कोडी रोड्स कन्फ्रंट करेंगे, फिर कोडी वर्सेस सेथ का मैच होगा। सेम इसी तरीके से जैसे जॉन सीना अंडरटेकर का सीन हुआ था ना, जॉन सीना भैया कॉल आउट करते करते थक गए थे, वहां से अंडरटेकर आए नहीं, लेकिन रेसलमेनिया वाले दिन अचानक से अंडरटेकर आते हैं और टेकर वर्सेस सीना का मैच होता है। ठीक उसी तरीके से इस साल रेसलमेनिया के अंदर होगा। देखो WWE ये नहीं चाहती है कि भैया ऐसा ना हो कोई बंदा फोटो वगैरह खींच ले। मान लो अगर जो हमारे कोडी रोड्स है नॉर्मल फ्लाइट से आते हैं तो अचानक एयरपोर्ट में भैया कहीं ना कहीं स्पॉट कर ही ले जाएंगे, बंदा फोटो खींच के डाल देगा, अरे गुड न्यूज कोडी रोड स्पॉट किए गए यहाँ पर एयरपोर्ट पे। तो WWE जो पूपिंग टाइप से हम कह सकते हैं, ये ना हो कि एयरपोर्ट पे ये फलाना बंदा स्पॉट किया गया, इसलिए WWE अपना पर्सनल प्राइवेट जेट भेजेगी ताकि कोडी रोड शो करके डायरेक्ट लैंड हुआ कि रेसलमेनिया वाली जगह के ऊपर। साथ ही में फाइटफुल सिलेक्ट रिसेंट टाइम में ये बात भी ऑफिशियल करता है कि जो रेसलमेनिया 38 के बाद का मंडे नाइट रॉ का शो होगा वहां ये बात एक तरह की आप कंफर्म मान सकते हो, 99.9% मान सकते हो कि कोडी रोड्स अपीयर होंगे। इंटरनल वे में जो बात है पूरे तरीके से ऑफिशियल है। काफी लोग पूछ रहे थे कि भैया रेसलमेनिया से पहले जो एक आधे मंडे नाइट रॉ के शो बचे हैं वहां पर हमारे कोडी रोड्स अपीयर होंगे या फिर नहीं, तो वहां का सीन मुझे थोड़ा डाउट में लगता है जैसे ये बात सामने आई कि प्राइवेट जेट के अंदर WWE रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को बुलाएगी। लेकिन हाँ, जो मंडे नाइट रॉ का शो होगा रेसलमेनिया के बाद, वहां पर ये बात कंफर्म कह सकते हो कि कोडी रोड्स अपीयर होंगे। ओवरऑल जो सीन है रेसलमेनिया में पूरा बदलने वाला है और रेसलमेनिया के बाद एक अलग तरह की कहानी हमें WWE में देखने के लिए मिलेगी, और ये वो रीजन है WWE धीरे धीरे करके एक बार फिर से बैक ऑन ट्रैक आ रही है। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो WWE की रिसेंट टाइम रिलीजेस के बारे में जुड़ी जो कि काफी ज्यादा रूमर्ड है, और काफी लोग कह रहे हैं WWE ने सुपरस्टार्स को और भी ज्यादा रिलीज कर दिया है। एक ऐसा ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें शेल्टन बेंजामिन का भी नाम है, और भैया लोग तंग कर लेते बेचारे शेल्टन बेंजामिन को कि क्या आप WWE से रिलीज हो चुके, क्या WWE से आपको निकाल दिया गया है। तो फाइनली
इसको लेकर जो शेल्टन बेंजामिन हमें रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, उसका स्क्रीन शॉट आप लोग देख पा रहे। वो लिखता है, आई हैव नॉट बीन रिलीज फ्रॉम WWE, आई ऑब्वियसली डोंट नो वेयर द फॉल्स रिपोर्ट स्टेटेड, प्रोबेबली मी आई एम, बट फॉर दोज दैट केयर्ड फॉर मी थैंक यू, बट एट दिस टाइम योर कंसर्न आर प्रीमैच्योर। उनका कहने का मतलब ये कि नहीं भैया, WWE से उन्हें अभी तक रिलीज वगैरह कुछ भी नहीं किया गया, ये जो गलत खबर है कहां से है उन्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हाँ, हो सकता है जो मियां ये मैं जानबूझ के ये जो उन्होंने चीजें करती हुई नजर आए फॉल्स रिपोर्ट वाली। लेकिन थैंक यू सो मच जिन लोगों ने कदर की शेल्टन बेंजामिन को लेकर, लेकिन अभी फिलहाल ये जो तुम्हारी टेंशन है वो बिल्कुल भी तरीके से प्रीमैच्योर टाइप है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि भाई उस ट्वीट के अंदर मैंने भी चेक किया था, काफी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भैया तुझे पता नहीं लगा शेना बेज़लर वगैरह सब रिलीज हो गई, उसके अंदर शेना बेज़लर, शेल्टन बेंजामिन, सेड्रिक अलेक्जेंडर। मैं सही बता रहा, जिस चोमू इंसान ने बनाया है ना ट्वीट, WWE को आइडिया नहीं होगा किन किन सुपर स्टार्स को रिलीज करना है, लेकिन इस ट्वीट को पढ़ने के बाद डेफिनेटली आइडिया हो गया होगा अगर हमें अगला बजट कट करना है तो किन किन सुपर स्टार्स को करना पड़ेगा रिलीज। लेकिन ऐसे यहाँ पर जो शेल्टन बेंजामिन है उन्होंने बात कंफर्म कर दी है, उन्हें WWE से रिलीज नहीं कर दिया गया। अल्टीमेट ये प्रूफ है कि भाई जो WWE है उन्होंने रिसेंट टाइम में कोई भी बजट कट नहीं किया है। बाय द वे, आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो एक AEW की साइन के बारे में जुड़ी है, जो कि स्पॉट हुआ था रिसेंटली हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में। हमने WWE के काफी सारे इंसिडेंट देखे जब से AEW आई है, कोई बंदा अगर AEW के मर्चेंडाइज पहनता है, उनके चैंट्स करता है, WWE भैया चुटकी बजा के सिक्योरिटी गार्ड बुलाती है और उसे धक्के मार के निकाल देती है उस वेन्यू से। लेकिन रिसेंट टाइम में स्मैकडाउन के शो में हमारे ट्राइबल चीफ के सेगमेंट के दौरान एक AEW का साइन बोर्ड स्पॉट किया गया रेसल ट्रैकर के थ्रू, और ये जो साइन बोर्ड है भाई वो WWE के फेवर में था, इसलिए मेरे हिसाब से उसको एंट्री अंदर लाने दी। वो जो आया स्क्रीनशॉट कह लो, पूरा जो साइन बोर्ड कह लो, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ लिखा है AEW और AEW की जो फुल फॉर्म है वो देखने लायक है, ऑलवेज एंजॉय WWE, यानी कि भैया हमेशा एंजॉय करो WWE को, ऐसा कहना है AEW का, अगर आप AEW वर्ड स्पेल करते हो। और मेरे हिसाब से ये वो रीजन है WWE को लगा भैया साइन बोर्ड यार कितना अच्छा लग रहा है ना, इसे अंदर भेजते ताकि जो फैंस है वो देखे कि AEW का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर विंस मैकमैन ने देखा भी होगा ना, भैया विंस मैकमैन ने बंदे को पैसे दे दिए होंगे, भाई ज्यादा ऊपर बोर्ड दिखाना, कैमरे के अंदर स्पेशली वाला बोर्ड दिखाना, ताकि सभी को पता लगे कि भैया AEW का एक्चुअल में WWE फैंस के लिए क्या मीनिंग होता है। वैसे देखा जाए मंडे नाइट रॉ डेफिनेटली गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, स्मैकडाउन जो है वो ऑलरेडी धीरे धीरे करके इंप्रूव कर रहा है, पहले स्मैकडाउन ए लेवल पे था, लेकिन धीरे धीरे करके जो मंडे नाइट रॉ का शो है वो भी हमें ग्रोथ लेता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं एक तरह की जो WWE फिर से रिकवर कर रही है, रीजनरेट हो रही है, एक बार फिर से जो WWE पुरानी वाली बन रही है, इसलिए जो फैंस है उनका AEW की तरफ मेरे हिसाब से ध्यान है थोड़ा कम जा रहा है। बाय द वे, आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो द शोज ऑफ द शोज इस साल के WrestleMania स्टुपेंडियस इवेंट WrestleMania 38 के बारे में जुड़ी है। इस साल का जो WrestleMania है वो भी टू नाइट इवेंट का शो होगा, नाइट वन के ऊपर जो मेन इवेंट है, पहले WWE ने ऐसा बताया था वो होगा वुमेन्स की रॉयल रंबल मैच की विनर यानी कि राउडी रोंडा राउजी वर्सेस स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द क्वीन चार्लेट फ्लेयर के बीच में। अब ये मैच ऑफिशियल था और बताया जा रहा था कि नाइट वन को मेन इवेंट करेगा, नाइट टू के ऊपर ऑफकोर्स हमारा जो बिगेस्ट WrestleMania मैच ऑफ ऑल टाइम है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर, यूनिवर्सल चैंपियन वर्सेस WWE चैंपियन, ये जो मैच है मेन इवेंट होगा। लेकिन रीसेंट टाइम में लगे ऐसा रहा कि WWE ने नाइट टू को लेकर नहीं बल्कि नाइट वन को लेकर जो प्लान है उनमें कर डाले मैसिव चेंजेस। ये जो अपडेट है वो एक्चुअल में एक सबरेडिट यूजर की तरफ से आती है सामने, आई नो सबरेडिट कोई भी वेरीफाइड चीज नहीं है, लेकिन होता कि रीसेंट टाइम में जो यूजर है सबरेडिट वाला वो काफी सारी चीजें ऐसी रिपोर्ट करे जो कि WWE की तरफ से कुछ टाइम बाद या फिर जो बड़े सोर्सेज है उनकी तरफ से कंफर्म हो ही जा रही है। ये जो सबरेडिट यूजर है इसने सबसे पहले बताया था कि कोडी वर्सेस सेथ का जो मैच है वो WrestleMania के लिए शेड्यूल है, और अल्टीमेटली जो बात है वो कहां पे आके रुकी कि कोडी रोड्स ने WWE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। रिसेंट टाइम में क्वीन शार्मेल, मुझे एक्चुअल में रियल नेम उनका सही से ना याद नहीं है, उन्हें इंडक्ट किया गया हॉल ऑफ फेम के अंदर, और सबसे पहले रिपोर्ट इस सबरेडिट यूजर ने दी थी कि इन्हें मोहतरमा को इंडक्ट किया जाएगा हॉल ऑफ फेम के अंदर, और अभी फिलहाल क्या हुआ उन्हें हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर लिया गया। तो कुल मिलाकर ये जो चीज बता रहे भाई वो पूरे तरीके से वेरीफाइड ही है, और धीरे धीरे करके जो बाकी सोर्सेज वो इस बात को कंफर्म करते हैं। और रिसेंट टाइम में यही जो सबरेडिट सोर्स है ये बात रिवील करता है कि जो WWE है उन्होंने WrestleMania 38 की नाइट वन की जो ओपनिंग है वो करेगी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच के साथ में बिग टॉम बेक्स द मैन बेकी लिंच वर्सेस EST ऑफ WWE बियांका बेलेयर का जो मैच है वो WrestleMania को ओपन करेगा। या मैं मेन शो की बात कर रहा हूं, अगर किक ऑफ के अंदर एक दो मैचेस होते हैं वो अलग बात होगी, लेकिन जो मेन शो की ओपनिंग है नाइट वन की अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट वो होगी बियांका वर्सेस बेकी के मैच के साथ में। अब बात रहती है मेन इवेंट
इवेंट के बारे में, तो भैया मेन इवेंट को लेकर रोंडा राउजी और जो शार्लेट फ्लेयर उनका पोपट बनने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है ये जो मैच है वो मैच वाइज मेन इवेंट करेगा, लेकिन जो शो वाइज मेन इवेंट है वो टेक्सस रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और केविन ओवेंस का सेगमेंट करने वाला है। एकदम सही सुन रहे हो, बताया जा रहा है जो शो की एंडिंग होने वाली है वो केओ शो के साथ होगी, वो केविन ओवेंस और स्टोन कोल्ड की एक कॉन्फ्रंटेशन के साथ होने वाले, और अल्टीमेटली इससे ये पता लग रहा है कि इसकी जो एंडिंग होगी वो एक मैसिव वे में होगी। हो सकता है नाइट टू के ऊपर एक बड़ा मैच ऑफिशियल हो जाए स्टोन कोल्ड वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में, हो सकता है नाइट वन के मेन इवेंट के अंदर ही हमें इन दोनों के बीच में मैच देखने के लिए मिल जाए। लेकिन सुनने में क्रेजी लग रहा है जब केओ शो है वो मेन इवेंट होता हुआ नजर आएगा, और फाइनली केविन ओवेंस को भी स्पॉटलाइट मिलने वाली रेसलमेनिया के अंदर, जो कि एक लंबे टाइम से वो डिजर्व करते हैं। वैसे मेरे हिसाब से बेहतरीन एंडिंग रहने वाली है अगर WWE कुछ इस वे में रेसलमेनिया को एंड करती है। आपके हिसाब से किस तरीके से रेसलमेनिया एंड होना चाहिए? क्या स्टोन कोल्ड केविन ओवेंस के सेगमेंट को एंड करना चाहिए रेसलमेनिया को, या फिर जो हमारा मैच है शार्लेट वर्सेस रोंडा राउजी का उसे क्लोज करना चाहिए रेसलमेनिया 31 को? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाय द वे, आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। और हाँ, हमारे जो स्टोन कोल्ड है वहां के होम टाउन बॉय होने वाले हैं, तो शायद ये एक और मेजर रीजन हो सकता है। बाय द वे, आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।